अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? Okay, class, let's wait for 5 more minutes so that all the students can join us. And I want you to open your novel, Gulliver's Travel. We will do the first chapter of the novel. Okay, तो आप लोग open कर लिए अपने novel को और हम लोग first part जो के है उसका जो first chapter है उसको हम करेंगे और उस chapter को इंशाल्लाह हम आज उसको summarize way में करके उसको हम complete कर लेंगे, ठीक है? So, chapter number 1, A Voyage to Lilliput. Okay, that's the part 1. A Voyage to Lilliput is the name of the novel and chapter 1 of this novel. वैसे भी आप लोगों ने सब ने जो है वो इसका एक assignment भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि what is there in this chapter. तो हम लोग थोड़ी सी मैं discussion करूँगी start में, आप लोगों से questioning वगैरह करूँगी. Then after the questioning, I will just tell you in a summarized way that what is there in this chapter. Okay, so let's wait for 5 more minutes. मैम, एक question है. Yes, Komal, I can't hear you. पता नहीं आपके माइक में मसला है या मेरे. ओके मैम, अभी अभी आपको आवाज आ रही है? यस यस, इट्स ओके. ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम लोगों का जो नॉवल है इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तो ये हम लोग मतलब अब पढ़ रहे हैं, समरी करके इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये हमें पेपर में किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर्स में से? Yes, there will be long questions from the novel and we'll try to cover. देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, ठीक है? आप परेशान ना हों आप लोग, because you know there are I think 4 parts of this novel. There are 4 parts. Each part has almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapters. So it would be difficult for you people to read the whole novel and do the all the parts. That's really difficult for you people. That's why I'm not going to do all the parts, but we'll try to do part 1. अगर टाइम मिलता है तो पार्ट 2 भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये हम लोग करेंगे इसको इंशाल्लाह, और आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी. इसको हम थोड़ा समराइज वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे. बहुत ज्यादा इसके जो है वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है कि मैं बैठ के एक एक वर्ड को पढ़ा के एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँ, जिस तरह से हम लोग बचपन में छोटी क्लासेस में किया करते थे, क्लास 1-2 में, और उस तरह से नहीं होगा. आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आई वुड जस्ट डिलीवर लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर्स, ठीक है? ओके मैम. ओके एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम, अभी आपने क्या बताया, नोवेल का फर्स्ट चैप्टर रीड करना? सॉरी, अभी आपने कहा है कि नोवेल का फर्स्ट चैप्टर, अभी हम लोग गुलिवर्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है? ओके मैम जी, चैप्टर 1 करेंगे, पार्ट 1 का चैप्टर 1.
All right, class. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So class, let's just have some discussion about the novel. What do you know about the novel Gulliver's Travel? Yes. Who wants to open the discussion? Yes. जी नूरुल हसन नूरुल हसनैन मैम बेसिकली जो गुलिवर के ये गुलिवर की स्टोरी है इसमें ये होता है कि वो वॉयज करना उसको पसंद होता है हसनैन ट्राई टू नरेट इट इन इंग्लिश ठीक है इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें कोई मसला नहीं है अगर आप सही से नहीं भी बोलते तो कोई मसला नहीं है एक दफा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें ताकि ना आपकी इंग्लिश बोलने की जो स्किल्स है ना वो आप इम्प्रूव कर सको ठीक है Okay, ma'am. Chale. Ma'am, the novel is based on a person whose name is Gulliver, and he loves to voyage. And on a voyage, he accidentally came across a storm which rattles their ship, and the ship went broken. And then he was strangled on an island, and there he found people with height of 6 inches. And he found them fascinating, and then the story continues on that. Okay, good. Yes. So Hasnain ne discussion ko open kiya hai. Now, who wants to add on this? Ma'am, the tinny creatures were basically hanging. Ignorant. Okay. Yes, Komal. Ma'am, that teeny creature had made him prison and he tried to escape it. But when some ropes were loosened, they start blowing arrows on him and he finds it like needles were prickling on his face. That tiny creatures were considering him some kind of monster or enemy. Okay. So basically... Okay. ठीक है क्लास आई वांट यू पीपल टू टेल मी द थीम ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स कौन बताएगा मुझे थीम इसका यस क्लास मैम थीम इज अबाउट वॉयज ही मेड अ वॉयज टू डिफरेंट आइलैंड एंड ही विल बेसिकली tell us about what type of creatures are living there and what kind of behavior they are showing toward mankind different aspect of humanity or mankind okay nature of people okay theek hai yeah, it's actually a fictional story because when he landed on the island the king of that island already knew that it would happen so I think so it's all about fiction okay Yes, yes, you are right. Okay, okay, class. You know, Gulliver's Travels is a satire. It was published in 1726. अब मुझे बताएं कि satire क्या होता है? What is a satire? Satire किसे कहते हैं? Yes, class. Ma'am, a play or a novel? नहीं सटायर द टर्म आयरनी बेस्ड सटायर मैम सटायर जिस चीज को आपने एग्जेजरेट किया हो या कोई ऐसी कोई स्टोरी हो जिसको आपने फिक्शनल और एग्जेजरेट करके बताया हो आगे हाँ उसका पर्पस क्या होता है इंसल्ट जी जी इंसल्ट एज लाइक आयरनी No, sorry, can you repeat it? Ma'am, insult, as like in witty language, okay. used to convey insult. Okay, okay, fine. Yeah, that can also be the purpose of satire. Satire basically kya hota hai? You know, jab ek maashre mein koi cheez ho rahi hoti hai, koi buri cheez, to jo likhne wale hain,
वो सटायर लिखते हैं या बोलते करते भी हैं सटायर, मतलब जैसे आपने सुना होगा तंज मजाह, तंज मजाह का वर्ड सुना होगा, तो तंज मजाह सटायर, ओके, जस्ट लाइक मतलब रियलिटी को फिक्शन वे में प्रेजेंट करना. यस यस, मतलब वो क्या करते हैं, वो एक एक बुरी चीज को वो मजाक मजाक में दे रेज द अवेयरनेस अबाउट द इशू, ठीक है, कि कोई इशू अगर है तो उसकी अवेयरनेस को रेज कर रहे होते हैं और वो एक्चुअली दे आर हाईलाइटिंग दैट इशू, दैट प्रॉब्लम, दैट दैट थिंग व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी. तो इसको हम उर्दू में तंज मजाक भी कहते हैं. और अगर आपने अगर आप जो है वो ड्रामे सॉरी टीवी अगर देखते हैं तो न्यूज़ चैनल्स पे अक्सर जो है वो तंज मजाक जो है वो प्रोग्राम्स आते हैं. जैसे एक प्रोग्राम है खबरनाक, खबरनाक एक प्रोग्राम है, वो भी सटायर है. सटायर किस तरह से है, उसमें पॉलिटिक्स पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे या किसी करंट इशू पे या किसी भी चीज़ पे उसमें सटायर हो रहा होता है. अगर आपने इस तरह के चैनल्स प्रोग्राम्स देखे हों जिसमें मुख्तलिफ जो है वो माशरे के या हुकूमत के या सियासी पहलुओं पे कमेंट्स होते हैं और वो कमेंट्स जो है वो ऐसे होते हैं जो रियलिटी होते हैं और उस पर जो है मजाक मजाक में उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सटायर. ओके, सो दिस बुक, दिस नॉवल इज ऑल्सो अ सटायर एंड द सटायर वॉज ऑन इंग्लिश ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड द पॉलिटिक्स इन दैट एरा. उस जमाने में जो पॉलिटिक्स था इंग्लिश का, इंग्लिश लोगों का, ठीक है, इंग्लिश कल्चर में जो अंग्रेज़ों के बीच में जो कस्टम था, जो रिवाज उनके थे, जो रसूमात उनके थे, जो उनकी सियासत उनकी जो थी उस ज़माने की, उस पर यह तंज था, ठीक है, उस पर यह सटायर था कि इस चीज़ में उसको हाईलाइट किया गया है. ठीक है, अभी आप जब इसको पढ़ेंगे ना, आपको जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से, मतलब ये जो जोनाथन स्विफ्ट जो है इसने इस नॉवल में अपने ज़माने के अंग्रेज़ों पे या इंग्लिश जो उस वक्त का जो कस्टम था या जो पॉलिटिक्स थी उस पर इसने तंज किया है, किस तरह उसने उस पर जो है वो उनको जो है वो टारगेट किया है. सो इट्स अ सटायर, ठीक है, इसको कहते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, इसमें सटायर का मतलब ये भी हो सकता है ना, टू क्रिटिसाइज करना. यस, टू क्रिटिसाइज, दैट इज एक्चुअली क्रिटिसाइज, लेकिन मजाक मजाक में, एक मजाक और एक विटी अंदाज में, ठीक है, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तनकीद करना है ना. सो दैट इज आल्सो एन एप्रोप्रिएट टर्म फॉर सटायर, कि आप एक क्रिटिसाइज करते हो इन अ विटी मैनर. ओके मैम, थैंक यू. यस, सो द स्टोरी इज अबाउट गुलिवर. Sorry, I can't hear you. Ma'am. Yes, Komal. जी कोमल. मैम अभी आपने जो नॉवल की डेट बताई थी ना, ईयर, वो बता दें दोबारा. 1726. आपने नॉवल का ईयर बताया था. जी जी, 1726. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Yes. So. ये जो नॉवल है, इट्स अबाउट लेमवेल गुलिवर, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल. हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, बाय द वे, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है नॉवल में? यस क्लास, मैम, प्रोटैगनिस्ट वो करैक्टर होता है जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है. यस, प्रोटैगनिस्ट वो करैक्टर होता है, बल्कि अगर इन शॉर्ट अगर हम इसको इफ यू पुट इट इन अदर वे, yes, we can say the hero or the leading character of the novel or the story. ठीक है, जो leading character होता है, जो main character होता है, that is called protagonist. और मुझे ये बताएं कि जो बुरा character होता है, bad guy होता है story का, villain होता है, उसको क्या कहते हैं? Protagonist की तरह का कोई word है उसके लिए भी? Antagonist, very good. That is antagonist. अच्छा क्लास, मुझे नहीं पता whether the problem is with my headphone or your mics are having issue. मुझे आप लोग की आवाज बड़ी कम आ रही है. Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? मैम हमें ना आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी थोड़ी सी कम आ रही है. तो इट मीन्स कि मेरी तरफ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता ये क्यों है. लेट मी जस्ट चेक द प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे आप लोग भी रिस्पोंड कर रहे हैं ना मुझे, तो मुझे आप लोग की आवाज सही से आ नहीं रही. मैम मे बी हैंड फ्रीज में जो आप यूज कर रहे हो उसमें. मैंने हेडफोन यूज किया हुआ है,
पता नहीं क्यों, हालांकि न्यू भी है, पुराना भी नहीं है कि मैं कहूँ कि खराब हो गया। अब ठीक है आवाज मेरी, इज इट ओके नाउ? यस मैम आपकी ठीक है, अब ठीक आ रही है? यस मैम। अच्छा चले, क्योंकि मुझे ना बहुत से बच्चों की आवाज बड़ी कम आ रही है, तो मैं परेशान हो रही थी कि शायद मसला मेरे साथ हो, मेरे हेडफोन के साथ हो। चले ओके, सो लैम्पल कुलीवर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल, ठीक है? वो अब दूसरे अल्फाज हम कहेंगे ही इज द मेन करेक्टर एंड द लीडिंग करेक्टर ऑफ दिस नॉवल। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो, उसका नाम है लैम्पल कुलीवर, ठीक है? अच्छा ये स्टोरी आपको पता है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है, द राइटर ऑफ दिस नॉवल इज जोनाथन स्विफ्ट। ओके अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप लिख लें, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1726, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी थी 1726 में। ओके ये जो नॉवल है इट इज यू नो यू कैन से ये इंग्लिश लिटरेचर में इसका एक बहुत बड़ा एक इसको मकाम दिया गया है, क्योंकि मतलब ये समझ लें कि इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी एक मशहूर सा एक नॉवल है, और काफ़ी जो है वो इसकी अहमियत है इंग्लिश लिटरेचर में, जिनको लिटरेचर से बहुत शौक़ है, या आप में से किसी को अगर लिटरेचर का शौक़ है तो उनके लिए है, ठीक है? तो यस, तो ये है जोनाथन स्विफ्ट की तरफ से 1726 में पब्लिश हुआ है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द समरी ऑफ दिस नॉवल, दिस चैप्टर, चैप्टर वन। लैम्पल कुलीवर जो है ही एक्चुअली ही इज टेलिंग द स्टोरी, ओके ही इज रिकाउंटिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसकी वो अपनी एक लाइफ की स्टोरी बता रहा है। ओके ओके, बिगिनिंग विद हिज फैमिली बैकग्राउंड, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ शुरू करता है और बताता है कि ही इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, देवर आई थिंक देर वर फाइव सन्स, तो उनके जो है वो उनमें से वो ही वॉज द थर्ड वन, तीसरे नंबर पे इसकी जो है वो ये था, ये लैम्पल कुलीवर। ओके और इसने जो है ही स्टडीड इन कैम्ब्रिज एज अ टीनेजर, बट हिज फैमिली कुड नॉट अफोर्ड टू कीप हिम इन कैम्ब्रिज, सो दैट्स व्हाई दे सेंट हिम टू लंदन टू वर्क एज अ सर्जन स्टूडेंट, एक सर्जन के जो है वो शागिर्द के तौर पर काम, वो अप्रेंटिसशिप के लिए भेज दिया। उस जमाने में पता है क्या हुआ करता था, उस जमाने में ना लोग क्या करते थे, वो बाकायदा मेडिकल की एक पढ़ाई नहीं होती थी कि बैठ के जो है वो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्स दे रहे हैं, बल्कि पुराने हमारे अपने इस्लामी अगर हम लोग हिस्ट्री में भी देखें तो उस जमाने में ये होता था कि द पेरेंट्स वुड सेंड देयर किड्स और देयर चिल्ड्रन टू सम सर्जन्स और डॉक्टर्स लाइक दिस, और उनके पास भेज के हकीम जिसको हम कहते हैं, तो वो उनकी अप्रेंटिसशिप में जाते थे। तो अप्रेंटिसशिप भी इट्स बाकायदा इट्स जस्ट लाइक अ कोर्स, कि ये कोर्स की तरह होता था कि इतने साल आपने उस सर्जन के साथ काम करना है, देन यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस अबाउट मेडिसिन, या जो भी है मेडिसिन के हवाले से जो भी सीखना है आप सीख लेते थे उस जमाने में। तो ही वॉज ऑल्सो सेंट टू अ सर्जन एज हिज अप्रेंटिस, ठीक है, जिसको हम स्टूडेंट भी कह सकते हैं। सो देयर ही लर्न्स मैथमेटिक्स एंड नेविगेशन फ्रॉम अ मैन नेम्ड जेम्स बेट्स विद द होप ऑफ ट्रैवलिंग। अच्छा वहाँ पर वो जब जाता है लंदन तो वो एक आदमी के पास जिसका नाम जेम्स बेट्स था उसके पास जाता है, ही लर्न्स मैथमेटिक्स एंड नेविगेशन, बिकॉज नेविगेशन इसलिए वो लर्न करता है कि उसको शौक था ट्रैवलिंग का, तो दैट्स व्हाई ही वुड गो टू दैट पर्सन, एंड ही स्टडीड फिजिक्स एट लंदन वंस हिज अप्रेंटिसशिप finishes. Okay, so after that he spent 3 years as a surgeon on board called the Swallow, or Swallow naam ka tha, wahan par usne 3 saal jo hai wo as a surgeon kaam kiya tha. After that he settles in London where he works as a doctor and marries Mary Burton, iski wife ka naam Mary Burton tha. When his mentor dies his business began to crumble, so he chose to return to sea and travel for 6 years. तो मतलब 6 साल उसने ट्रैवल करने का सोचा। Despite his plans to return home at the end of this period, he accepted one last job on the Antelope. Again, it is also you can say a ship. ठीक है, वहाँ पर इसने जो है वो एंटीलोप में उसने last job करनी चाहिए। So the Antelope is caught in a strong storm in the East Indies. जब वो ईस्ट इंडीज़ में जाता है तो उनका जो इसका जो एंटीलोप है वो वहाँ पर जो है वो तूफान में वो गिर जाता है, एंड 12 क्रू मेंबर्स डाई,
six members of the crew, including Gulliver, board a tiny rowboat in order to escape. So, matlab, they somehow managed to escape. ये जो छह जो members होते हैं, जिसमें Gulliver भी शामिल होता है, वो लोग किसी न किसी तरह एक छोटे से boat पे सवार होते हैं और वो वहाँ से फरार कर जाते हैं. So Gulliver, this way he loses track of his buddies as the rowboat sank. जब उसका जो rowboat है, वो जब डूब जाता है तो उसके जो बडीज हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको वो गुम हो जाते हैं, उसको मिलते नहीं हैं. सो दे आर नेवर सीन और हर्ड फ्रॉम अगेन. सो Gulliver ऑन द अदर हैंड स्विम्स टू शोर सेफली. व्हाट हैपेंस टू हिम, वो जब साहिल पर पहुंचता है, Gulliver lies down on the grass for a nap and he quickly falls asleep. When he wakes up, he discovers that bits of thread have been attached to his arms, legs and long hair. He can only glance up and the glaring light makes it impossible for him to see anything. वो सोचता है कि चलो मैं कुछ देर आराम कर लूँ. जब वो सो जाता है और सोने के बाद जब वो उठता है तो उसको क्या दिखता है कि उसके हाथों को, उसके बाजुओं को, उसकी टांगों को, उसके इवन उसके बालों को, लंबे लंबे बालों को छोटे छोटे धागों से बांध दिया गया है और वो बिल्कुल ही कुड नॉट मूव. तो वो क्या कर सकता था, एक काम था कि वो ऊपर देखे, ठीक है, टू ग्लैंस अप. एंड वो जो तेज रोशनी थी धूप की, वो उसको उस पर ऐसे पड़ रही थी कि वो इट वॉज इम्पॉसिबल for him to see anything out there. So he felt that something is moving over his leg and over his chest. Wo ek feeling usko aane lagi ki okay, there is something which is moving over his leg and over his chest. So when he glances down, he notices a 6-inch tall person with a bow and an arrow. उसको क्या दिखता है, उसको जब नीचे की तरफ देखता है, उसको एक 6 इंच का एक इंसान दिखता है जिसके हाथ में तीर कमान होता है. At least 40 more little individuals attempt to crawl onto his body. He is taken aback. वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो he yells angrily, scaring the small people away. छोटे 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 लोग थे उसके जिस्म पे चढ़े हुए थे, तो वो हैरान हो जाता है उनको देखकर, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से बेचारे जो छोटे छोटे लोग थे वो डर जाते हैं. When they return, one of the little guys yells out, Hekina Degu. अब इनकी जो लैंग्वेज है, आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की हुई है जोनाथन स्विफ्ट ने, जो शायद हमें समझ नहीं आएगी, बट इसके जो वर्ड्स हैं बड़े मज़े के आपको मिलेंगे. सो ही यल्स आउट हेकिना टेगुल. सो Gulliver फाइट्स हिज वे टू गेट फ्री, इवेंचुअली कटिंग द थ्रेड्स दैट बाउंड हिज लेफ्ट आर्म. सो ही अनटाइज द रोप्स दैट बाइंड हिज हेयर, अलाउइंग हिम टू टर्न टू द लेफ्ट. द स्मॉल पीपल रिएक्ट बाय शूटिंग एरोज इनटू हिज हैंड एंड सेविजली अटैकिंग हिज बॉडी एंड फेस. अब Gulliver जो है, सारी बात है, ही वॉज वेरी बिग, ब्रदर वेरी बिग फॉर दोज पीपल, दे वर टाइनी 6-inch पीपल, तो उनके लिए तो Gulliver जो है वो बहुत बड़ा था. तो वो क्या करता है, वो उन थ्रेड्स को काटता है और अपने अपना लेफ्ट आर्म को वो फ्री कर देता है और इसी तरह ही अनटाइज द रोप्स और जिससे उसके बालों को बाउंड किया गया होता है और वो अपने बालों को आज़ाद कर लेता है. सो इवेंचुअली ही कैन टर्न टू द लेफ्ट. सो द स्मॉल पीपल जो है, वो जो छोटे लोग जो थे, अपने छोटे छोटे तीर कमानों से वो क्या करते हैं, तीर कमानों से वो तीर अंदाजी शुरू कर देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, ही उसके उसके फेस पर और उसके जिस्म पर वो अटैक करना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे तीरों से. तो मतलब वो ऐसा होगा उसके लिए जैसे कोई सुई चुभ रही हो, तो सुई से तो पेन होती है ना हमें भी, तो उसी तरह वो क्या कहता है, ही डिसाइड्स दैट लाइंग मोशनलेस अंटिल डार्कनेस इज द सेफेस्ट ऑप्शन. तो वो सोचता है कि मैं लेटा रहूँगा ताकि जो है वो मतलब मैं बिल्कुल बेहिसो हरकत लेटा रहूँगा, मोशनलेस लेटा रहूँगा ताकि जो है वो रात हो जाए. सो द नॉइज ग्रोज एज द स्मॉल पीपल कंस्ट्रक्ट अ स्टेज अबाउट अ फुट एंड अ हाफ फ्रॉम द ग्राउंड नेक्स्ट टू Gulliver. तो ये जो शोर है वो बढ़ता जाता है और ये जो छोटे छोटे जो टाइनी टाइनी लोग हैं वो एक स्टेज बनाते हैं, एक फुट और आधा जो है वो फुट का वो बनाते हैं ग्राउंड के लेवल से
और वो होता है गुलीवर्स तक पहुंचने के लिए. सो वन ऑफ देम स्केल्स इट एंड डिलीवर्स अ स्पीच इन अ लैंग्वेज गुलीवर डजंट कॉम्प्रिहेंड. उनमें से एक बंदा उस पर चढ़ता है और वो एक ऐसी स्पीच सुनाता है और ऐसी लैंग्वेज स्पीच सुनाता है विच इज यू कैन से अनइंटेलिजिबल फॉर गुलीवर. गुलीवर को समझ नहीं आती है कि व्हाट दोज पीपल आर सेइंग. सो गुलीवर एक्सप्रेसेस हिज हंगर एंड द स्मॉल पीपल ब्रिंग हिम मीट बास्केट्स. तो यहाँ पर क्या होता है, गुलीवर जो है वो कहता है कि उसको भूख लगी है तो जो छोटे छोटे लोग हैं उसके लिए मीट के बास्केट्स लेकर आता है. ही ईट्स इट ऑल एंड देन एक्सप्रेसेस हिज थर्स्ट प्रॉम्प्टिंग द डिलीवरी ऑफ टू लार्ज बैरल्स ऑफ वाइन. तो उसके लिए जो है वो उसको फिर प्यास भी लगने लगती है तो अपनी प्यास का भी इजहार करता है. गुलीवर कंसिडर्स पिकिंग अप 40 और 50 ऑफ द स्मॉल पीपल एंड थ्रोइंग देम टू द ग्राउंड बट ही रियलाइजेस दैट ही हैज प्रॉमिस्ड देम काइंडनेस एंड इज थैंकफुल फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी. ही इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय देयर करेज एज दे क्रॉल अटॉप हिज बॉडी डिस्पाइट हिज इमेंस साइज. तो पहले वो सोचता है कि चलो मैं 40 से 50 लोगों को उठा के जमीन पर फेंक दूंगा, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैंने इनसे वादा किया है कि इनके साथ मैं मेहरबानी से पेश आऊंगा. तो इसीलिए वो उनकी मेज़बानी का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए खाना लेकर आए और खाने पीने की चीज़ें उसको फराहम की. तो इसके अलावा okay, so Gulliver's body is also clamped onto by an official who informs him that he will be brought to the capital city. Usko capital city ki taraf lekar jaya jayega, ye bataya jata hai usko. So Gulliver wants to walk but he is informed that this is not authorized. Wo chahta hai ki wo chal kar jaye lekin usko ye kaha jata hai ki you are not allowed to walk, kyunki agar wo chalega तो उनके लिए मसला क्रिएट होगा. ये ना हो कि उनके पाँव के नीचे ये लोग आ जाएं और इस तरह से उसके लिए प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो बट ही इज इन्फॉर्म दैट ही इज नॉट अथोराइज्ड. इंस्टेड दे ब्रिंग अ वुडन स्ट्रक्चर दैट इज 3 inches ऑफ द ग्राउंड एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय 22 wheels. 3 inches ऊपर था ग्राउंड के और उसको जो है वो 22 wheels के जरिए उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. एंड दिस वैगन इज dragged nearly half a mile to the city by 900 men. अब सोचिए छोटे 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 जो है वो 900 आदमियों ने इस जो है वैगन को इस वुडन स्ट्रक्चर को ड्रैग किया तकरीबन शहर से बाहर मतलब सिर्फ आधा माइल जो है वो उसको जो है वो ड्राइव किया. ठीक है, सो इट्स आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 1. And inshallah, we'll do chapter 2 in our next lecture. ठीक है, तो chapter 1 था. So, do you have any question, class? Ma'am? जी कोमल. मैम जो मतलब chapter 1 का जो introduction है ना, जिसमें उसकी मतलब early life के बारे में बता रहे हैं. हाँ हाँ. तो मैम वो ना एक दफा repeat कर दे, मुझे वहाँ से ना सही समझ नहीं आई. वो हमारे लिए इतना important है. Chapter 1 का जो introduction का जो novel है ना. ये जो नॉवल का इंट्रोडक्शन है ये आप खुद पढ़ लें क्योंकि ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर नॉवल, तो इसलिए इसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू अर्ली लाइफ. हाँ जी, इसकी अर्ली लाइफ के बारे में है, जस्ट इसकी गो थ्रू आप कर लें तो जो आपको समझ आता है दैट वुड बी इनफ. ठीक है, द मेन थिंग इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस नॉवल, द इंट्रोडक्शन पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप इसको खुद गो थ्रू करें और जो जितना समझ आता है दैट वुड बी इनफ. आपने असल जो फोकस करना है दैट शुड बी ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस नॉवल, पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं उन पर और पार्ट 2 इस तरह से जितने पार्ट्स आएंगे उन पे आपने फोकस करना है. ठीक है मैम, मैं यही कह रही हूं जो हम लोगों ने अभी. कोमल, योर वॉइस इज टू लो, आई डोंट नो, आई कांट हियर यू, आई बेयरली हियर यू. ओके मैम, मैं यही कह रही हूँ जो हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 पढ़ा ना, जिसमें गुलीवर अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसने मतलब क्या किया और किस तरह वो वॉयज पे गया. तो वो मुझे वहाँ मैंने उसको पढ़ा लेकिन वो मेरे माइंड में चीजें बैठ नहीं रही कि वो पहले वो क्या करता रहा फिर वो किस तरह इसमें आया. तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम लोगों ने अगली स्टोरी पे ज्यादा फोकस करना. देखिए आप ये जो आपको मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया था कि वो पहले क्या था, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो यही थी कि वो एक गरीब घराने से था. फाइव जो है वो भाई थे और वो पांचवें तीसरे नंबर पर था और वो कैम्ब्रिज में पढ़ता था. उसके पेरेंट्स चूंकि बहुत गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसको लंदन भेज दिया एक सर्जन के पास कि उसके अप्रेंटिस उसके अंडर जो है वो अप्रेंटिसशिप करें.
ठीक है, मतलब वो सीखे मेडिसिन सीखे, तो वहां पर जो है वो एक एक आदमी से मिलता है जेम्स के नाम से, और उससे वो मैथमेटिक्स सीखता है और नेविगेशन सीखता है. नेविगेशन एक वो होती है, स्टडी होती है जिसमें आप रास्तों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से नेविगेट करते हैं. उस जमाने में चूंकि समुद्री सफ़र बहुत था तो इसलिए उसको बहुत ट्रैवलिंग का शौक था, तो इसलिए उसने नेविगेशन के बारे में पढ़ा. और इसके बाद जब उसका ये अप्रेंटिसशिप ख़त्म हुआ तो ही स्पेंट 3 years एज अ सर्जन ऑन बोर्ड कॉल्ड द स्वेलो. एक बोर्ड था, शिप थी जिसपे वो जिसको स्वेलो कहा जाता है, वहाँ पर उसने जो है वो एक सर्जन के तौर पे काम किया क्योंकि उसने ये तालीम हासिल की थी. सो आफ्टर दैट ही सेटल्ड इन लंडन वेयर ही वर्क्ड एज अ डॉक्टर एंड मैरिज मैरी बर्टन. उसकी शादी हो जाती है, उसका जब मेंटर मर जाता है तो वहाँ पर जो है वो उसका जो बिजनेस है वो क्रम्बल होना शुरू हो जाता है. तो वो चाहता है कि वो सी की तरफ वापस जाए क्योंकि ही वाज हैविंग दैट पैशन फॉर ट्रैवल एंड वॉयज. तो उसके लिए वो क्या करता है, सी की तरफ वापस जाता है और 6 साल के लिए वो सफ़र पर चला जाता है. तो अब यहाँ पर वो एक एंटीलोप के नाम का एक शिप था जिसमें वो अपना लास्ट जॉब करता है. तो जो एंटीलोप है असल में वो जो है वो दैट वॉज कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म. ठीक है, वो तूफान में गिरता है और उसमें से जो सर्वाइवर्स होते हैं ही इज़ वन ऑफ द सर्वाइवर्स. लेकिन जो छः लोग साथ में थे तो बाकी 5 लोग उससे बिछड़ जाते हैं इस तरह से कि उनकी जो छोटी कश्ती होती है ना वो डूब जाती है, जिसमें वो लोग अपने जान बचा के भागते हैं वहाँ से. तो वो जब डूब जाती है तो उसको कभी भी अपने उन साथियों के बारे में पता नहीं चलता. लेकिन वो क्या होता है, वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो पहुंचता है, उसको नहीं पता कि वो जगह कौन सी है. वहाँ पहुँचता है तो उसको ही डिस्कवर्स दैट कि वो जो जगह है वहाँ पर छोटे छोटे लोग रहते हैं और उनकी अपनी एक हुकूमत है, अपनी एक सरजमीन है, एंड दे आर हैविंग देयर ओन लैंग्वेज. और वो इतने छोटे हैं उससे कि मतलब जैसे आप समझ लें कि एक बड़ा सा जिन उनके लिए गुलिवर था. तो उसको 6 इंच के छोटे छोटे इंसान होते हैं, इंसान है लेकिन 6 इंच के इंसान है. तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं पार्ट 1 चैप्टर 1 में. इज इट क्लियर? ओके मैम, यस मैम, थैंक यू. उर्दू में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ये काफी है. मैम बता दे. आप लोगों को समझ आ गई है तो जस्ट मूव ऑन. अब चैप्टर नंबर 1 वी हैव डन चैप्टर नंबर 1 बिकॉज वी आर अंडर प्रेशर ऑफ टाइम. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वी स्पेंड लाइक hours and hours on each and every word of this chapter or the novel because there are 4 parts of the novel. Mujhe pata hai, I'm aware of the fact ke humare paas itna time bhi nahi hoga ke hum 4 ke 4 parts par sakein, but I will try my best to cover at least 2 parts of this novel. ठीक है, एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो हम करेंगे क्योंकि each part carries it is consists of 8 to 9 chapters. Yes, 8 chapters hain. Yes, 8 chapters हैं, दो parts में. तो we will do the first part, then after that अगर हमारे पास time हुआ तो we will do the second part as well. लेकिन time का pressure हम पर है, हमारे पास इतना time नहीं है. we have many other things to do in this course. Although आपके इस outline में इतना ज़्यादा out of novel नहीं है, but I wanted to teach you people some sort of academic writing, how to write an academic essay. तो एकेडमिक एसे मैं आपको लोगों को सिखाना चाह रही हूँ ताकि क्योंकि बिकॉज इट्स योर लास्ट कोर्स ऑफ इंग्लिश, English 3 है, और इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू लर्न समथिंग अबाउट हाउ टू राइट एन एकेडमिक एसे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट अवेयर हाउ टू राइट एन एकेडमिक एसे, और उनको ये भी नहीं पता होता कि व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ दैट एसे, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ दैट एसे, और उसके कितने टाइप्स होते हैं. सो ऑल्दो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों में
से बहुत सबको स्टिल ये अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स वाई मैं चाह रही थी कि बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अभी जो है हेल्प करेगा सिर्फ इस कोर्स में. नो, एसे राइटिंग जो है, एकेडमिक राइटिंग जो है, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर स्टडीज. आप जो भी पढ़ोगे, आप जैसे SHS के हैं तो आप लोग जो भी अपना कोर्स पढ़ोगे दैट इज़ इन इंग्लिश एंड यू विल हैव टू राइट इन इंग्लिश. सो तो जो राइटिंग आप लोगों की होनी चाहिए दैट शुड बी एकेडमिक. ओके, तो बहुत से बच्चे अजीब गरीब लैंग्वेज और अजीब गरीब स्ट्रक्चर के साथ लिख रहे होते हैं, एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं. तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ एक दो लेक्चर्स लगाकर आप लोगों को थोड़ा सा एकेडमिक राइटिंग के बारे में बताऊँ एंड आई शुड डिस्कस द structure of academic writing, types of academic writing, language of academic writing, or guidelines for writing an academic essay, or जो कि what to do and what not, कि क्या क्या करने चाहिए इसमें, कौन सा word use नहीं करना चाहिए, कौन सा structure use नहीं करना चाहिए. तो I was just thinking of doing this with you people and deliver like 2 to 3 lectures on it, क्योंकि आपके लिए फ़ायदामंद होगा. So we will be doing these things side by side. और ये novel तो आपका है, इसको हमने करना ही है. तो part 1 तो हमने आज कर दिया है, इंशाल्लाह वी विल डू पार्ट 2 इन आर इन नेक्स्ट लेक्चर में तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक के जो सेकंड लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 कर लेंगे. बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड द सेकंड चैप्टर जो इसी पार्ट का है, उस चैप्टर को आप पढ़ें, फिर वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर. ओके, फॉर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी हैविंग यू विल बी हैविंग लेक्चर ऑन एकेडमिक राइटिंग. एकेडमिक राइटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि एकेडमिक राइटिंग क्या है. हम लोग उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि एकेडमिक राइटिंग, IELTS essay writing और ये जो newspaper article writing है, essay writing है, इससे किस तरह से different है, और academic writing होता क्या है, and what the students are expected to write in academic essay or academic writing, और ये होते कितने किस्म के हैं. तो these will be discussed in our next lecture inshallah, और ये hopefully that would be very helpful for you people in terms of improving your राइटिंग स्किल्स. तो आपको राइटिंग स्किल्स की तो हमेशा से ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपकी राइटिंग पे काम करना चाह रही हूँ. और फॉर दिस डेफिनेटली आई वॉन्ट योर कोऑपरेशन. अगर आपकी कोऑपरेशन रहेगी तो यू विल लर्न, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. तो मैक्सिमम इस कोर्स से आप बेनिफिट लेने की कोशिश करें, और इसके लिए आपकी कोऑपरेशन की नहायत ज़रूरत है. ठीक है, ओके क्लास, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. यस, क्या हो गया, सबको सांप सूंघ गया? नो मैम, खामोश हो गए सारे. नो मैम, ऐसे खामोश हो गए जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, और आप लोग जो है वो बिल्कुल ही हैरतजदा हो गए. मैम, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे थे. मैम, आपको एक बात पता है, अगर ऐसा है मेरी बात ध्यान से सुन रहे तो आई एम हैप्पी, दैट्स ओके देन. मैम, आपको पता है इस नॉवल पे एक मूवी भी है, इंडियन मूवी. अच्छा, इंग्लिश वर्जन भी है, पर वो स्टोरी से काफी रिलेट करती है. मतलब जब हमने स्टोरी पढ़ी है तो वो मूवी पतन के ऊपर माइंड में आ रही थी. अच्छा, एक काम करें ना, इफ यू आर हैविंग द लिंक विद यू कैन शेयर दैट विद द सीआर और द जीआर, दे विल शेयर दैट इन द ग्रुप, और वो मुझे भी सेंड कर देंगे. मैंने तो बचपन में देखी थी. तो ये इंग्लिश की हो या इंडियन हो, जो दोनों लिंक्स आप भेज दें, ठीक है? तो आप मैं भी देख लूंगी और आप लोग भी देख लेंगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल. यस मैम, ठीक है. तो अगर मैं जो मैंने इंडियन देखी है ना वो मैं बता दूंगी. हाँ, वो आप ना लिंक जो है वो या तो अनुषे के साथ या तो फिर जैन के साथ शेयर कर दें, दे विल शेयर दैट इन द ग्रुप एंड दे विल शेयर दैट विद मी एज वेल, और मैं भी देख लूंगी. दोनों आप सेंड कर दीजिएगा, मैं भी देख लूंगी, और आप में से कोई देखना चाहता है तो वो भी देख लेगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा. मैम, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं इंटरनेट पे है कि नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन वो मेरे रिमाइंड हो रही थी सारी, मैंने इसलिए बताया. मैम है इंटरनेट पे, मैंने देखी हुई है, मैंने वो समरी जो लिखी है. गुलिवर्स ट्रैवल के नाम से जरा आप सर्च करें ना, कोई मूवी आप देखे, सर्च करें गुलिवर्स ट्रैवल्स के नाम से, हो सकता है कि इसी ही नाम पे कोई मूवी बनी हुई हो. मैम, मूवी के नेम है जनतन ममंतरन. मैम, इंडियन मूवी का उसका नाम है. उसका नाम है जनतन ममंतरन. जनतन ममंतरन जो इंग्लिश मूवी है उसका नाम गुलिवर्स ट्रैवल ही है. मैम, इसका इंग्लिश मैम इंग्लिश में गुलिवर्स नॉवल के नाम से ही है.
अच्छा फिर यू करें इंग्लिश की जो जो मूवी है ये जो नॉवल के नाम से ही है, इट मीन्स कि उन्होंने नॉवल को ही उसी को ही मोर और लेस उसमें इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने ये मूवी बनाई होगी. तो प्लीज शेयर दैट लिंक विद मी एंड विद द सीआर एंड द जीआर, दे विल शेयर दैट इन द ग्रुप. आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा वो, फिर जिसका जो चाहते हैं वो देख ले. बट दैट मैं आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देखें जरूर. ठीक है, मैं खुद भी काफी हेल्प मेरे पास है, लिंक मैं अभी सेंड कर देती हूं. मजा भी आएगा रात को पॉपकॉर्न मिल गई है YouTube पे, आराम से इजीली मिल गई है. सिर्फ नॉवल का नाम लिखना और वो मूवी मतलब हो रही है शो. अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलो सही है. तो फिर आप ना लिंक शेयर कर देना कोई एक. यस मैम, ताकि हम जो सुस्ती मैं कर देती हूं, हमारा फायदा हो जाए. हम सुस्ती वाले लोग हैं ना, तो हमारा फायदा हो जाएगा. ओके जी क्लास मैम, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यस यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. मैं तकरीबन सारी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर रही हूँ LMS पर, लेकिन पिछले एक दो लेक्चर शायद मैंने नहीं किए. यू कैन गो टू द LMS एंड चेक आउट देयर कि वहाँ पर मैंने क्या क्या जो है वो ऐड किया हुआ है, क्या क्या अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग्स मिला करेंगी. ठीक है काशिफ? ओके मैम. ओके 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 ये तो खैर हमने आज समरी इसकी पढ़ ली है. मैं आप लोगों की अटेंशन जरा मार्क कर लूं और उसके बाद जो है एक मिनट मुझे इसको ओपन करने दें. अच्छा क्लास लेट मी नो वन थिंग, आप लोगों के जो असेसमेंट्स हुए हैं उनमें क्या क्या हुआ है, ज़रा मुझे याद नहीं है. मैंने चेकिंग स्टार्ट करनी है लेकिन मेरे जहन से निकल गया कि हमने कौन कौन से असेसमेंट्स किए हुए हैं. मैम एक क्विज था और एक अभी जो समरी थी. व्हाट वाज द क्विज अबाउट कोमल? मैम क्विज जो था वो एक मतलब वो पैसेज था जिसके हम लोगों ने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने थे. ओके जो हमने अभी किया है ना. जी रिसेंटली हमने किया था शायद. ओके एंड द असाइनमेंट इज असाइनमेंट ये समरी थी असाइनमेंट समरी पार्ट 1 चैप्टर 1 की. ओके ओके गुलिबस ट्रेवल चैप्टर 1 की हमने समरी की थी. ओके फाइन. सो क्लास हैव यू डन रिव्यू राइटिंग इन योर इंग्लिश 2? रिव्यू राइटिंग नो मैम. आर्टिकल का रिव्यू आपने किया? किसी आर्टिकल का रिव्यू किया हुआ आपने? मैम आई थिंक किया होगा जी. बाकी बचे अगर आप लोग एक मिनट आप पता नहीं इस दफा तो इंग्लिश 2 में रिव्यू राइटिंग रखी हुई है. इट वाज नॉट देयर मैम आई थिंक नहीं था रिव्यू राइटिंग. एक मैम वो आर्टिकल का कुछ पढ़ा था हमने लेकिन वो रिव्यू राइटिंग एज सच मतलब वो था मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया. रिपोर्ट राइटिंग की होगी आप लोगों ने? यस यस मैम रिपोर्ट. यस मैम. ओके रिव्यू राइटिंग आप लोगों ने नहीं किया है मींस? नो मैम. ओके फाइन. सो वी विल डू रिव्यू राइटिंग, वी विल डू अदर टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग जो कि आप लोगों के बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि मुझे मतलब ये जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसको जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसे मुझे लगा कि मुझे कुछ आप लोगों की राइटिंग के लिए करना पड़ेगा. तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की राइटिंग को भी मैं इसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को जो है वो मतलब कुछ लेक्चर्स दूंगी राइटिंग पे जिसमें रिव्यू राइटिंग भी आ जाएगा. तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. और हाँ चैप्टर नंबर 2 को आप लोगों ने पढ़ना है क्लास, इसको पढ़ के हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर. इसके बाद वाले लेक्चर में हम राइटिंग का मैं करवाऊंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 का करेंगे. अगेन वी विल डू द समरी ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि मतलब मैं चाह रही थी कि इसकी समरी ही करूँ क्योंकि इसको एक एक वर्ड करके पढ़ना ये हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. तो हम चैप्टर 2 का यही करेंगे कि हम इसका समरी समराइज वे में पढ़ेंगे. बट आप लोगों का डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक, आज मैंने इतना नहीं करवाया बिकॉज यू पीपल वर नॉट रेडी फॉर दैट. तो इन आर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी हैविंग अ डिस्कशन और डिस्कशन में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा. ओके मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी और बंदा जो है उसमें वो उसमें डिस्कशन में अपना जो है वो पार्टिसिपेट करेगा. ओके
तो इसके साथ साथ हम फिर मैं बात में आपको एंड में इसका इसकी समरी भी बता दूंगी कि व्हाट इज देयर इन पार्ट टू, क्योंकि एग्जाम में आपके इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हो सकता है कि 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ जाए, बट देयर वुड बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नॉवल. दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड द नॉवल थरली एंड केयरफुली. ओके मैम. ओके मैम. ओके, इसके अलावा इफ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग और इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस कोर्स, यू कैन सजेस्ट दैट, यू कैन आस्क मी टू डू दैट. आप मुझे सजेस्ट करें अगर कोई चीज, इफ यू थिंक आप वहां पर आप थोड़ा लैक कर रहे हैं उस चीज में या उस एरिया में, तो यू कैन शेयर दैट एज वेल. आप कुछ बताएं जो आप लर्न करना चाहते हैं. आई आप पर भी है, मैं वही चीज करवाऊंगी जो आप चाहते हैं. कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसी चीज इंग्लिश का इंग्लिश की हो, जैसे मैंने आपको कहा कि राइटिंग स्किल्स के लिए मैं एकेडमिक ऐसे करवाना चाह रही हूँ, एकेडमिक राइटिंग करवाना चाह रही हूँ जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हों. इसी तरह अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि कोई चीज़ सीखें जो आप लोगों को नहीं आती है एंड यू वॉन्ट टू लर्न, वो आप मुझे बताएं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे और टू टीच यू दैट थिंग. यस क्लास, फिलोसोफर्स बैठे हुए सारे, मेरे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए सारे. नो मैम. सब कुछ आता है? नो मैम. सब कुछ आप लोगों को आता है? बस थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए अभी हमें समझ नहीं आ रही. मैम सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है. अच्छा, मैं पूछूं फिर, अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है तो. नो मैम. हाँ देख लें. कम्युनिकेशन स्किल्स कोई भी आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, पता नहीं मेरी तो ग्रामर मिस्टेक्स बहुत होती है. तो ओके, अगर आपको अगर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम ग्रामर देन दैट्स आल्सो वेलकम. आप मुझसे शेयर करें कि आप ग्रामर का कौन सा चीज कवर करना चाहते हैं ताकि फिर मैं आप लोगों को वो करवा दूं. मैम अगर हम लोग टेंसेस जो हैं वो थोड़े-थोड़े रिवाइज कर लें, यानी प्रॉपर टेंसेस रिवाइज करना चाह रहे हैं. जी मैम, अगर कोई हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास हो तो हम लोग टेंसेस रिवाइज कर लें ताकि वो फिर राइटिंग स्किल में हमें उसी से भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ना कि हमें. ओके ओके ओके, दैट्स ओके. चले ठीक है, हम लोग फिर यू करते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को राइटिंग स्किल्स एकेडमिक राइटिंग के बारे में कुछ बताऊंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट चैप्टर 2. और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग जो है वो फर्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाला जो वीक आएगा ना, ये जो वीक आ रहा है उसके बाद जो वीक आएगा उसमें हम लोग जो है वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा विल डू अ वर्कशीट फॉर योर टेंसेस. और हम वर्कशीट के थ्रू टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मतलब टेंसेस में आती हैं और किस तरह से हमें वो यूज़ करने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चन. अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन टेंसेस के हवाले से हैं, राइट डाउन द क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चन. और कुछ भी प्रॉब्लम होती है टेंसेस के हवाले से, यू कैन आस्क मी फ्रेंकली. ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है. यू आर हेयर टू लर्न एंड आई एम हेयर टू टीच यू, फैसिलिटेट यू एक्चुअली. तो आपने जो है मुझसे पूछना है, मैं आपको बता दूंगी. और आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको लिख कर रखें टेंसेस के हवाले से, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इफ यू नो हाउ टू यूज टेंसेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड इट मींस दैट यू नो 50% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. क्योंकि टेंसेस से ही आपकी जो है वो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल का पता चलता है कि हाउ गुड यू आर एट स्पीकिंग और हाउ गुड यू आर एट राइटिंग. ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए वाकई ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके क्लास, आई वांट टू अटेंड टू द रोल कॉल. मैम. यस मैम, मैं चाह रही थी कि हम लोग कुछ इस तरह के वर्ड्स लर्न करें, जैसे कि हम लोग मतलब सिंपल वर्डिंग में हर सेंटेंस में बट यूज करते हैं. तो अगर उसकी जगह हम ऑल्दो, हाउ और एक्सेप्ट, मतलब इस तरह के डिफरेंट वर्डिंग यूज करें तो वो एक तरह से हमारी राइटिंग में भी हेल्प करेगी. मतलब जैसे कि थैंक यू बोलने के भी वेरियस मतलब डिफरेंट वेज हैं, सॉरी बोलने के डिफरेंट वेज हैं, मतलब हम उन चीजों को भी लर्न करें. हाँ, मतलब अच्छा, बहुत सी हमारी चीजें हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है. किया है
आपने बड़ा अच्छा आपने रेज किया है. मैं आप लोगों को अक्सर जो है वीकली बेसिस पे आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, जिसमें अक्सर जो है वो स्पोकन एक्सप्रेशंस होते हैं या कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं ये जो राइटिंग के लिए, तो मैं भेजती रहती हूँ. लेकिन मुझे पता है कि वो इतना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा. डेफिनेटली देर शुड बी समथिंग लाइक which would help you in the long run, जो कि आप लोगों की writing में ज़्यादा help करे. So that is also part of academic writing, which I'm gonna share with you. I'm having a link with me, and I will share that link with you. And in that link or on that site, you will find different words and phrases related to academic writing, research writing, report writing, and you will be learning different phrases, new phrases and vocabularies and new words for expressing yourself in academic writing. ठीक है, वो academic writing में आप कुछ भी, मतलब वो आपके research writing भी हो सकता है, आपका essay writing भी हो सकता है, वो आपके exam writing भी हो सकता है, paper writing भी हो सकता है, that could be any writing. तो वो जो link मेरे पास है, वो ये जो site है जो मैंने save करके रखा हुआ है, and I found that very beneficial for me as well as for you people, for my students. So I usually share that link with my students ताकि वो उस चीज से फायदा ले, और जिनको शौक होता है तो डेफिनेटली वो जाते हैं और उससे फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना होता, आप उनको ले जाके उस समंदर में भी डाल देना वो वर्ड्स के या वोकैबुलरीज के, वो फिर भी लर्न नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी जो है वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लर्न करना चाहते हैं. तो आई विल बी शेयरिंग दैट लिंक विद यू in our next lecture while doing our academic writing. Aur academic writing mein aap yahi cheeze padhenge ki what vocabulary should be used, what should be the structure of your sentences, what should be the structure of your paragraph, and what should be the structure of your essay overall, and what should be the language used in academic writing, and what words should be used, and what words should be avoided during while writing academic essays. To ye sari cheeze, all these things are part of your academic writing, and I will be just trying to teach you that in our next lecture. ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी, और ये जो आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं. इवन इसमें आपको ये बताया गया है कि आप जो है वो अगर आप एक चीज के बारे में अनक्लियर हैं, तो उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है इन योर राइटिंग विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. और अगर आप किसी चीज से अग्री कर रहे हैं, तो हाउ विल यू अग्री विद दैट. इफ you are disagreeing, how would you disagree? Or is it if you are like if you are quoting someone's quotes or some sort of sayings, to wo bhi aap batate hain ki how to quote that, and how what words should be used, and what verbs should be used. theek hai, to phrases, words, aur is tarah ki bahut sari cheeze di gayi hain ki aapne but ki jagah pe kya use karna hai, and agar aap bar bar aata hai to and ki jagah pe aap kya use karenge. Also ye ki aap jo hai wo आप ऐड करना है अगर आपने अपने इंफॉर्मेशन को, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. आई विल शेयर दिस लिंक विद यू, एंड आई विल टेल यू वेयर एंड हाउ टू यूज दीज फ्रेजेज एंड एक्सप्रेशंस. देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन दैट. ठीक है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको जो है वो अपने राइटिंग में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, यस मैम, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फायदा मंद है. और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम, तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी, एंड दे वर गिविंग गुड फीडबैक्स एंड पॉजिटिव फीडबैक्स टू मी, के उनको इस साइड से जो है वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस और वर्ड्स मिले कि उन्होंने अपनी राइटिंग में यूज़ किया है, एंड दे आर एबल टू गेट गुड स्कोर्स इन देयर डिफरेंट कोर्सेज. जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही हो, आपको आप तो इंग्लिश में हर कोर्स में आप देखिए आप इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल यू इन ऑल द कोर्सेज थ्रू आउट योर एकेडेमिक लाइफ. आप जितने बल्कि एकेडेमिक लाइफ के बाद भी, इवन आई एम अ प्रोफेशनल राइट नाउ, तो मैं लिखती हूँ, जैसे मुझे रिसर्च पेपर्स या रिपोर्ट्स वगैरह लिखने होते हैं. जी जी रिमशा, ओके फाइन. तो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इट वुड हेल्प यू.
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के दिनों में आपको ये हेल्प करेगा. और ये अगर हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, बाहर मुल्क, ठीक है, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर भी आपको आपकी इंग्लिश इंग्लिश जो लैंग्वेज की जो आपकी स्किल्स है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पर आपको जो है वो एडमिशन मिलता है. हर किसी को नहीं मिलता, उन लोगों को एडमिशन मिलता है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, एटलीस्ट वो एक अच्छा एकेडमिक ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो मैं आपको एकेडमिक राइटिंग करवाऊंगी, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन. ओके, चलें, सो अटेंडेंस की तरफ आप लोग आ जाएं जरा. लीना जम, आमना सरवत, अनमोल, प्रेजेंट मैम, अनुषे, प्रेजेंट मैम, अक्सा भट्ट, प्रेजेंट मैम, अरीज, प्रेजेंट मैम, आसफा नोरीन, प्रेजेंट मैम, अशर मंजूर, प्रेजेंट मैम, आसिफा, प्रेजेंट मैम, आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम, आयशा नूर, प्रेजेंट मैम, बेनिश, प्रेजेंट मैम, दानिश, प्रेजेंट मैम, ईमान, प्रेजेंट मैम, फैजान, फजर, प्रेजेंट, फातिमा खान, प्रेजेंट मैम, फिजा खान, गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम, हमना बाबर, हमना बाबर, हमना नैयर, प्रेजेंट मैम, अहिबा आसिफ, प्रेजेंट मैम, हुमा मुमताज, प्रेजेंट मैम, कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम, लाइबा यूसुफ, लाइबा अमजद, अलिंता खावर, प्रेजेंट मैम, हु इज दिस, ओके, हेलो, ओके, यस मैम, महा फुरकान, यस मैम, महिरा, यस मैम, मलीहा, प्रेजेंट मैम, मरियम अब्दुल कादिर, प्रेजेंट, मैमुना जाहिद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद अजद अली पाशा, हाजिर मैम, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद काशिफ, यस मैम, मुकद्दस, यस मैम, मुकद्दस बीबी, निदा हामिद, प्रेजेंट मैम, नूर फजल, मैम ये प्रेजेंट है, इसका नेम डिसकनेक्ट हो गया, ओके, नूर हसनैन, प्रेजेंट मैम, रिमशा, प्रेजेंट मैम, सादिया, सजल, प्रेजेंट मैम, समीन, प्रेजेंट मैम, सारा, प्रेजेंट मैम, सवेरा, प्रेजेंट मैम, शाह सुभान, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, शर्जील, सईदा मारुख, प्रेजेंट मैम, उज्मा जावेद, मैम, वरदा अली, प्रेजेंट, जैन आसिफ, यस मैम, एंड जीमल रुबाब. ये जीमल कौन है, आप में से कोई जानते हैं जीमल कौन है? नो, चले, ओके क्लास, सो वी आर डन विद द नॉवल, पार्ट वन ऑफ द नॉवल. ओके मैम, मैं जानती हूं नॉवल जी, मैम मेरी फ्रेंड है मैम. तो किसकी फ्रेंड है जरा, सजल आपकी फ्रेंड है? यस मैम. अच्छा, तो जीमल ने नहीं आना इस कोर्स में? उसने आना है, बट वो दूसरे सिटी में रहती है, और पता नहीं उसके बाबा को कोरोना हुआ था, उसके बाद से मेरी उसकी बात नहीं हुई. लेकिन आपको पता है हमारे कितने लेक्चर्स हो गए हैं? आज हमारे हुए हैं 10th या 11th लेक्चर हुआ है हमारा, ठीक है, तकरीबन ये 10th लेक्चर है, सॉरी 10वां लेक्चर है हमारा. तो आप ये देखिए कि वो अगर नहीं आएगी तो उसका तो वैसे भी 10th उसके एब्सेंसेस हो गए हैं, तो वो फिर ऑलरेडी जो है वो 11th लेक्चर है.
वो ना एक मिनट एक्स्ट्रा डाल दिया था गलती से लास्ट टाइम. देखिए 21 दो आग लग गए ना, मैंने दो गलती से डाल दिए थे. तो इसीलिए आप उनसे कहें उसका अटेंडेंस का इशू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा सजल मैम? क्योंकि उसकी उसका तो पोर्टल ही ब्लॉक है. जब आपका पोर्टल ब्लॉक होता है ना तो नहीं, वो तो मुझे पता है ना कि वो तो पोर्टल ब्लॉक हो गया, लेकिन वो तो मुझे पता है ना कि शी वाज नॉट प्रेजेंट. वो आज के लेक्चर में नहीं, वैसे वो लेक्चर्स अटेंड करती है. नहीं, वो मुझे किसी भी लेक्चर में नजर नहीं आई है सजल. मैम क्योंकि उसने जो असाइनमेंट्स वो आपने पिछली असाइनमेंट्स दी थी ना, वो मेरे से काफी डिस्कस कर रही थी उस असाइनमेंट्स के बारे में. वो कह भी रही थी कि मैम ने क्लास में ये बोला था वो बोला था, तो मुझे तब लगा मुझे, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे है याद है, मैं जब भी जीमल का नाम लेती हूं मुझे आगे से रिप्लाई नहीं आता जीमल का. वो मैम इसलिए नहीं आता होगा कि वो कहती होगी मेरा अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक है, कि मैं मैम को. नहीं नहीं, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन ये कि उसको उसको चाहिए कि वो यहाँ मौजूद हो. अगर वो नहीं होगी तो डेफिनेटली मुझे तो, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो पता है कि शी वॉज नॉट देयर थ्रू आउट द सेशन. तो अब अगर वो मुझसे कहती है कि मेरे पोर्टल पे तो जो है वो पोर्टल बंद था, मैं तो आ रही, मतलब इसमें एब्सेंट शो नहीं हो रहा, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं होगा. क्योंकि एट द एंड आपके टीचर से पूछा जाता है कि वॉज शी प्रेजेंट और नॉट. अगर मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली मुझे सच बताना पड़ेगा ना कि शी वाज नॉट देयर इन द क्लास. तो जीमर से कहें कि अगर उन्होंने आपको उसके असाइनमेंट्स में से मिली है कि उसने असाइनमेंट्स भी नहीं सबमिट करवाई. असाइनमेंट सबमिट करवा दी होंगी, बट दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट ये है कि शी शुड बी देयर इन द क्लास. क्योंकि अगर आप लोग क्लास में नहीं होंगे, मैं उससे कॉल करूंगी थोड़ी देर तक. हाँ, इसके अभी देखिए कि अगर इस तरह से अगर किसी को डिग्री मिलनी है और किसी का कोर्स अगर काउंट होना है, तो इस तरह से तो मेरी पूरी क्लास बच्चे जो है वो कहें कि हम नहीं आएंगे, हम लोग सिर्फ असाइनमेंट्स और क्विजेज देते रहेंगे, तो आप हमें जो है वो फाइनल एग्जाम में बिठा दें और हम लोग आराम से अपना जो है वो कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे. ये तो फिर हो गए ना, खाली मजे ही मजे हो गए. तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो आपको तो क्लास में आना चाहिए. कॉल करती हूं फिर. ओके हां, उसको कहें कि उसको कहें. हां जी, यस मैम, ऐसा तो नहीं होता वैसे. हाँ जी, तो नहीं ये नहीं, ये किसी की ये बात ये है कि अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो जानते हैं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ. मुझे बड़ा जो है गुस्सा आता है जब बच्चे जो है वो एब्सेंट होते हैं. यस मैम, यस मैम, ऐसी है, बिल्कुल ठीक है. नहीं, आप ऐसे भी कर चुकी हूँ, मैं बहुत से बच्चों को ऐसे भी इस बिना पर कर चुकी हूँ. और दूसरी चीज ये कि मैं ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों के दरमियान ना इंसाफ होना चाहिए. अगर वो बच्ची नहीं आ रही तो मैं उसको क्यों उन बच्चों की तरह ट्रीट करूं जो बच्चे आ रहे हैं. जी सजल, यस मैम, कह रही हूं आप ठीक कह रही हैं कि अगर उसका पोर्टल ब्लॉक भी है तो एटलीस्ट वो क्लासेस तो अटेंड करे सारी. अटेंड करे, एग्जैक्टली. तो मैं यही कह रही हूं कि उस वो बच्ची, एक्सक्यूज मी मैम, लीव कर सकते हैं इतना नहीं है ठीक है मेरे लिए. जाहिर बात है वो एब्सेंट थ्रू आउट, तो अगर मैं उसको आप लोग की तरह ट्रीट करना शुरू कर दूं तो दैट वुड बी यू नो अनफेयर एंड अनजस्ट फ्रॉम माय साइड. तो मैं इस तरह से अपना बस, मुझे बड़ा जो है वो आखिरत की फिक्र रहती है कि आखिरत में जाकर मेरी गर्दन ना पकड़ी जाए कि भाई आपने तो अपने शागिर्दों के दरमियान इंसाफ नहीं किया. यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है. उसके बाद जो है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ, ठीक है. तो सजल मेरा ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा. ओके मैम, नो इशू. और वो ग्रुप में है सजल, इज शी इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप? मैम व्हाट्सएप ग्रुप में है. हाँ बस ठीक है, फिर सही है. फिर इसको फिर वो जूम भी मिल रहा होगा, लिंक भी. चलें ठीक है. ओके क्लास, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. ओके मैम, अल्लाह हाफिज.